ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। ए बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा, समझो ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं, प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे हैं जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले साढ़े साती शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले, कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा।